हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेकिंग पंकज में। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वीवो ने 3.16 GB का जो अपडेट आया था वो क्यों वापस ले लिया गया है, क्या कारण थी, किस वजह से ले लिया गया है वापस, क्या वापस आएगी दोबारा या फिर टाइम है, तो ये सारे वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और मैंने ट्विटर पे भी उनको डायरेक्टली मैसेज किया हूँ, जो कि उन्होंने साफ बता दिया है कि क्या वजह थी, जो कि बताऊँगा आगे, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे यूजर मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे 3.16 GB का अपडेट आया बट मैंने किया डाउनलोड तो हट गया। किसी ने बोल रहा है कि मुझे कल आया मगर आज हट गया, किसी ने बोला परसों आया आज हट गया, किसी ने बोला कि मैंने अपडेट पूरा कर लिया फेल्ड हो गया, फोन से गायब हो गया। मतलब ये सब क्यों हो रही है, सब यूजर के साथ प्रॉब्लम। बट देख सकते हैं अभी मैं यूट्यूब में सारे कमेंट लोग कर रहे थे तो मैं उनका रिप्लाई भी नहीं दे सकता था, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कमेंट हैं, मैंने उस सारे कमेंट को स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिस्टर पीके कुमार जो बोल रहे हैं कि हाय मुझे परसों ही मिला जेवन प्रो में आप एंड्रॉयड 10 का अपडेट, पर आज मैंने डाउनलोड किया तो फेल्ड हो गया और फिर हट गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जो लोग डाउनलोड भी नहीं किए उनका भी हट गया है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट में राजू कुमार पूछ रहे हैं कि मुझे अपडेट आया था पर मैंने किया नहीं और अपने आप हट गया, तो सर बताइए क्यों हटा, दोबारा आएगा या नहीं आएगा एंड्रॉयड 10 का अपडेट। तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आएगा या नहीं आएगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि टेकी पंकज ने भी पूछा है कि हेलो सर, मुझे वीवो Z1 प्रो में एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिला 3.16 GB का, फिर वो अपने आप हट गया, तो अब कैसे अपडेट करूं, प्लीज बताइए। तो ये सब कुछ कमेंट आ रहे थे दोस्तों, जो कि बहुत सारे कमेंट हैं, मैं आपको कुछ कुछ कमेंट दिखा रहा हूँ। अगर मैं सभी कमेंट का दिखाने लगूँ तो आपको वीडियो लंबी हो जाएगी। चलते हैं हम ट्विटर में कि उनको क्या डायरेक्टली मैसेज मैं किया था, उनको क्या रिप्लाई आया है, जो कि उन्होंने क्लियरली वीवो ने इस मैसेज में बोल दिया है कि क्या वजह थी, सबसे बड़ी वजह कि मैंने इसको कैंसिल करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने वीवो को मैसेज किया था कि वाई द एंड्रॉयड 10 अपडेट ऑफ 3.16 GB वाज विथड्रॉन फ्रॉम द वीवो Z1 प्रो, आई रिमूव द अपडेट एज सुन एज आई डिड द अपडेट, विल द अपडेट कम अगेन और नॉट, आई वांट टू अपडेट टू एंड्रॉयड 10, यू फिक्स दिस प्रॉब्लम सुन सर। मैसेज किया था कि 3.16 GB का जो अपडेट आया हुआ था उनको वापस क्यों ले लिया गया, जैसे ही मैंने अपडेट किया वहाँ से रिमूव्ड हो गया यानी कि हट गया, अब क्या मुझे दोबारा मिलेगी, मुझे दोबारा करना है अपडेट, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तुरंत। तो उन्होंने मैसेज किया हाय थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, विल रोलिंग आउट अपडेट, यानी कि इस अपडेट का रोलिंग आउट कर दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव ऑब्जर्व सम बग्स इन द सॉफ्टवेयर, यानी वीवो ने यहाँ साफ बता दिया है कि इस अपडेट में सम बग्स यानी कि कुछ बग्स था, तो इसी कारण उन्होंने इस अपडेट को वापस ले लिया। जो कि यहाँ भी देख सकते हैं हेंस अपडेट हैज बीन रोल्ड बैक, यानी कि वापस ले लिया गया, आवर टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन इट सून क्यू अपडेट, यानी कि अब इस पे कुछ उनका टेक्निकल टीम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, जो कि क्यू अपडेट पे एक बार फिर से इस अपडेट का जारी किया जाएगा, तो आप लोगों के लिए सबको लिए ये आ जाएगा अपडेट, मगर इसमें भी अभी कुछ टाइम लगने वाली है क्योंकि उन लोग तुरंत तो नहीं करके दे देंगे, आपको कुछ और समय लगने वाला है, पता नहीं कब तक ये बग्स को ठीक कर पाएंगे। यूजर को जो प्रॉब्लम आ रही है वो बढ़ती ही जा रही है, सबसे बड़ी बात कि इसमें बग्स इतने थे कि सबको दिक्कत आ रही थी यूजर को। तो मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि क्या बग्स थी, क्या प्रॉब्लम थी, देख सकते हैं मैंने ट्विटर पे स्क्रीनशॉट लिया हूँ, सभी ने जो जिसका इस अपडेट के बाद प्रॉब्लम आई है वो सभी ने ट्वीट किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है दोस्तों। तो ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि बीटा वर्जन के बाद में ये अपडेट आया था तो सबको लग रहा था कि स्टेबल अपडेट है, बट स्टेबल अपडेट नहीं था, इसमें भी बग्स बहुत सारे थे, तो इस कारण वीवो ने इसको वापस ले लिया है, रोल बैक कर लिया है। तो इसमें क्या क्या इसमें बग्स थी, क्या प्रॉब्लम थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर में सबसे ज़्यादा इसमें ट्वीट किया गया है इस अपडेट के रिलेटेड से कि इसमें बैटरी ड्रेन हो रही थी, जो कि सभी लोग ज़्यादातर बैटरी के बारे में ट्वीट किए हैं कि बैटरी ड्रेन हो रही थी, फ़ोन लैग हो रही थी, कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो ये सब कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने भी पूछा है कि आई हैव वीवो Z1 प्रो यस्टरडे, आई गोट अपडेट ऑफ
Android 10 and Fantech OS 10, but after update my battery is draining like hell too. What is the please fix the issue? तो सबसे बड़ी जो है कि बैटरी प्रॉब्लम के बारे में आ रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटरी के बारे में प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा ट्वीट हो रही है और हीटअप भी कुछ हो रही थी इस अपडेट के बाद। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि द गेम इज लैगिंग वेरी मच आफ्टर एंड्रॉयड 10 अपडेट डिवाइस व्यू जेडन प्रो, यानी कि इसमें लेग भी कर रही थी जो गेम खेलने में, तो इसमें लेग हो रही थी इस अपडेट में। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि आई गोट फंटच ओएस अपडेट बट नॉट एंड्रॉयड 10 अपडेट, वाई आर यू डूइंग दिस, यानी कि ओएस अपडेट बट नॉट एंड्रॉयड 10 अपडेट। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, तो जो कि बहुत सारे हैं देख सकते हैं यहाँ पे कि आई एम यूजिंग जेडून प्रो आफ्टर अपडेट एंड्रॉयड 10 बैटरी ड्रेनिंग फास्ट एंड लेटर टाइपिंग कीबोर्ड इज आल्सो सम बग्स इशू। तो इस अपडेट में कीबोर्ड का भी एक जो भी कीबोर्ड में भी एक बग्स था जो कि सही से काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन पे जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी है और अपडेट में भी है, तो आप देख सकते हैं कि इस अपडेट में भी बैटरी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये पूछ रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड एन अपडेट स्टडी व्यू जेडून प्रो अपडेट 3.16 GB, आई डाउनलोडेड इट अराउंड 50%, बट टुडे व्हेन आई एम लुकिंग फॉर अपडेट टू डाउनलोड फर्दर आई एम आल्सो गेट इट प्लीज हेल्प। तो इनको कुछ बड़ा 50% कर गायब हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बंदे ने किया है कि थैंक्स टू द न्यू एंड्रॉयड 10 अपडेट परफॉर्मेंस हैव हिट द डाउनलोड प्लीज फिक्स द फोन एंड फास्ट इट ड्रेन एंड लैग्स टू मच, यानी कि फ़ोन में हीट भी हो रही थी और इसका परफॉर्मेंस भी हीट हो रही थी और इसको फ़ोन में लैग भी हो रही थी और बैटरी ड्रेन भी हो रही थी। तो ये कुछ इस अपडेट के बाद ट्वीट किया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं ट्वीट किया गया है कि देर इज़ अ बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम आफ्टर गेटिंग एंड्रॉयड 10 अपडेट इज माई जेडून प्रो प्लीज सॉल्व दिस बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम बाई गिविंग अनदर अपडेट ऑफ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इन एंड्रॉयड 10 ऑफ वीवो जेडून प्रो। तो इसमें देख सकते हैं बैटरी के बारे में ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्वीट किया गया है जो कि सभी को प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लिखा है कि स्टडे आई गोट एंड्रॉयड 10 अपडेट इन माई वीवो जेडून प्रो बट टुडे व्हेन आई सी देयर इज नो अपडेट व्हाई डिड यू टेक बैक दिस अपडेट, यानी कि जो इनको परसों यानी कि स्टडे कल इनको मिला था आज देख रहे हैं तो हट गया है वहाँ से। तो ये सब अपडेट में कुछ देखने को मिल रहा है, फिर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं अमन ने भी ट्वीट किया है कि द गेम इज लैगिंग वेरी मच आफ्टर एंड्रॉयड 10 अपडेट इन डिवाइस वीवो जेडून प्रो, यानी कि इसमें गेमिंग में भी लैगिंग हो रही थी जो इस अपडेट में। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि बैटरी ड्रेन के बारे में बहुत सारे ट्वीट की जा रही है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में कि आई एम यूजिंग जेडून प्रो आफ्टर अपडेट एंड्रॉयड 10 बैटरी ड्रेनिंग फास्ट एंड लेटर टाइपिंग कीबोर्ड आल्सो सम बग्स इशू, ये सीधे डायरेक्ट पूछ ही रहे हैं। देख सकते हैं कि बैटरी ड्रेनिंग के बारे में भी यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत फास्ट हो रही है, और यहाँ भी नीचे में भी देख सकते हैं कि कीबोर्ड आल्सो सम बग्स, यानी कि कीबोर्ड में भी कुछ बग्स है स्लो काम कर रही है, पता नहीं भी वो लेट करवा रहा है, जो भी अपडेट निकाल रहे हैं उसमें भी बग्स भर भर के दे रही है, और पहले से भी जो जितने लोग कर चुके हैं उनमें बग्स भी इतने सारे हो गए हैं, अब कैसे ही वो ये सब संभालेगा। तो दोस्तों बस यही था जो कि मैं आप लोग को दिखा देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।